मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी बीच सीएम शिवराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ गरीब विरोधी, बहन विरोधी, आदिवासी विरोधी है। प्रियंका जी और कमलनाथ जी सुन लीजिए, हम आदिवासी भाई बहनों को सम्मान भी देंगे और सम्मान भी देंगे। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया है। ये कांग्रेस है जिसने मेरी गरीब आदिवासी बहने जो सबसे पिछड़ी जनजातियों में आती है, कहते हुए दर्द और तकलीफ होती है, दर्द होता है तकलीफ होती है, इनने बेगा भारिया सहरिया तीनों के खाते में 1000 डालते थे हम 2017 से। बेगा भारिया और सहरिया गरीब बहनों के पैसे बंद करने का पाप अगर किया आहार अनुदान के तो कांग्रेस ने किया। कौन ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया? संबल योजना बंद कौन ने की? कांग्रेस ने बंद की। हम जूते चप्पल पैर में पहनाते थे इसलिए कि नंगे पांव अगर कोई बहन तेंदुपत्ता तोड़ने जाती थी और उसके पांव में कांटा चुभता था तो वो कांटा हमारे कलेजे में चुभता था। लेकिन हम अब पांव में चप्पल पहना रहे हैं तो तकलीफ उनके सीने में हो रही है।